विधानसभा चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के पांचवें दिन 27 अक्टूबर को 17 उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए। इस प्रकार आठों विधानसभा क्षेत्र के लिए अब तक कुल 41 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र जमा हो चुके हैं। 28 और 29 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नाम निर्देशन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और 30 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पांचवें दिन यानी शुक्रवार को 17 उम्मीदवारों ने अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वालों में पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी तरुण भानोट, कैंट से प्रत्याशी चिंटू चौकसे और भाजपा उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अभिलाष पांडे शामिल रहे। इनके अलावा नाम निर्देशन पत्र जमा करने वालों में पाटन के अरविंद सोनी, सीताराम कुमार, प्रेमलाल राजकुमार ताम्रकार, बरगी के सत्य सिंह पटेल, मांगीलाल मरावी, जबलपुर पूर्व के लखन गंगोरिया और बालकिशन, जबलपुर उत्तर मध्य के ब्रजेश पाठक और विनय सक्सेना, कैंट से राजमणि साकेत, रामदयाल यादव, उमेश सिंह, अशोक रोहाणी, पश्चिम से गीता पाठक, दिनेश कुमार कुशवाहा और राजू चौधरी के नाम शामिल रहे। 28 एवं 29 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश रहने के कारण नाम निर्देशन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही 30 अक्टूबर यानी सोमवार को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख है। जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि दोपहर 3 बजे तक सोमवार को नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे।